हाय फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। मैं पीयूष संदूजा। आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। तो नेक्स्ट चौथे के बाद और 3 लेक्चर, यानी कि पांचवा, छठा एंड सातवां, ये डेडिकेटेड रहेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझने के लिए, और इसमें हम ब्रॉडली जानेंगे कि क्या है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जानना इसलिए भी जरूरी है, जब आपको हिस्ट्री पता होती है किसी चीज की, तो आप उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलती है। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑन ए ब्रॉडर लेवल 3 बिजनेस स्ट्रीम से मिलकर बना हुआ है, और ये जो स्ट्रीम्स हैं ये अनकनेक्टेडली डेवलप हुई थी इन द फील्ड्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 बिजनेस स्ट्रीम्स कौन सी हैं? सबसे पहली है सोर्सिंग, प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई मैनेजमेंट, दूसरी है मटीरियल्स मैनेजमेंट, और तीसरी है लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।